Hello guys, welcome to the ACME Academy of Engineering and Science in a series of lectures on engineering mathematics. This is the 8th lecture of this series. In a previous lecture, we have discussed eigenvalue, eigenvector, model matrix. Okay? Today, we are going to discuss the inverse of matrix. Inverse of matrix is a topic है. Academic में इसके ऊपर compulsory question पूछा जाता है. ठीक है? Academic point of view से भी ये बहुत important topic है. ठीक है? Gate में भी इसके ऊपर एक question पूछा गया है. Gate 18 में for mechanical engineering के लिए question पूछा गया है. जैसे A जो मैट्रिक्स गिवन है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स फाइंड आउट करना है. सो A इनवर्स पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन उसके बाद उसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड आउट करना है. उसके लिए कोई ऑप्शन गिवन नहीं था. ठीक है? उसका ऑप्शन हमें आंसर फाइंड आउट करके फिलअप करना था, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. ठीक है? तो 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमें उसका आंसर फाइंड आउट करना था. ठीक है? उसके पहले इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, सो दैट्स हाउ यू विल गेट अ डेली नोटिफिकेशन अबाउट द सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, so that you will not miss any video when we upload updated video about the series of lectures on engineering mathematics. ठीक है? तो आज हम start करने वाले inverse of matrix. ठीक है? बहुत important topic है और detail में discussion करने वाले for a academic point of view से. ठीक है? तो यहाँ पे जो A जो matrix given है, उसका पहले हमें क्या find out करना पड़ेगा? A inverse मतलब A inverse find out करना है, तो उसका determinant. So A inverse अगर find out करना है, तो सबसे पहले check करना होता है जो गिवन मैट्रिक्स है वेदर इट इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर. मतलब नॉन सिंगुलर मतलब क्या होता है, जो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे उसका इट इज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट क्या मिलना चाहिए, नॉट इज इक्वल टू जीरो मिलना चाहिए, देन ए इनवर्स इज एग्जिस्ट. ठीक है? तो हम सबसे पहले ये जो ए मैट्रिक्स है उसका हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे होते हैं 1. ठीक है? 1 इंटू 4 इंटू 1 मतलब 4 हो जाएगा, 0 इंटू ये 0 5, देन यहाँ पे 2. ठीक है? देन यहाँ पे आ जाएंगे 0 माइनस 0, देन प्लस 3. अगेन यहाँ पे देखो ये छोड़ देंगे, 0 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, 0 इंटू 4 मतलब क्या हो जाएगा, 0. तो यहाँ पे हमें मिलता है 4. ठीक है? सो मॉड ऑफ ए हमें क्या मिला, 4. इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ ए नॉट इज इक्वल टू 0. ठीक है? ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स इज क्या है, एग्जिस्ट. ठीक है? इसका मतलब क्या है, जो ए जो मैट्रिक्स है इट इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है? सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो ए जो है ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, 1 अपॉन मॉड ए एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है? सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, सो एडजॉइंट ऑफ ए है. ठीक है? क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ ए, उसका हमें ट्रांसपोज करना होता है. सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, देन ट्रांसपोज करेंगे. तो ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में लिखना होता है, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए. ठीक है? तो कोफैक्टर ऑफ ए के लिए यहाँ पे इस टाइप से मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो पोजीशन ऑफ कोफैक्टर, तो ये जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है. ठीक है? तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, माइनस ए 1 2, प्लस ए 1 3, देन माइनस ए 2 1, देन प्लस ए 2 2, माइनस ए 2 3, प्लस ए 3 1, माइनस ए 3 2, प्लस ए 3 3. दीज आर द पोजिशन ऑफ कोफैक्टर ऑफ ए. ठीक है? तो हम क्या करेंगे, इसको हम ये 2 दे देंगे, इसको 1 दे देंगे. ठीक है? तो यहाँ पे अभी क्या करना है, इसकी हमें जो ए 1 1 है उसकी पोजिशन फाइंड आउट करना है, पोजिशन ऑफ कोफैक्टर है ये. ठीक है? तो यहाँ पे ए 1 1 फाइंड आउट करेंगे, ए 1 1. ठीक है? तो ए 1 1 मतलब क्या होता है, ये पोजीशन है, तो यहाँ पे पहला रो और पहला जो कॉलम है उसको छोड़ देना है, फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट वो लिखना है ये डिटरमिनेंट में. ठीक है? सो 4 5 0 1. ठीक है? इस टाइप से हमें लिखना है ए 1 1. सिमिलरली ए 1 2. ए 1 2 मतलब यहाँ पे देखो ये पहला रो और सेकंड कॉलम है, ये छोड़ देना है, फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0 5 0 1 ये डिटरमिनेंट में लिखना है, 0 5 0 1. ठीक है? सिमिलरली A13 में पहला रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट जो बचे वो लिखना है डिटरमिनेंट में. ठीक है? इस टाइप से हमें सभी पोजीशन क्या करना है, जैसे अभी यहाँ पे 2 1 है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, फिर रिमेनिंग क्या लिखना है, 2 3 0 1. सिमिलरली यहाँ पे A22. ठीक है? A22 यहाँ पे A22 में क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, तो A13. ठीक है? 0 1. सिमिलरली A23. ठीक है? A23 में जैसे ये पोजीशन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 0 0. सिमिलरली A31. ठीक है? ये पोजीशन है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है यहाँ पे, तो थर्ड रो
फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, तो यहाँ पे आएगा 2, 3, 4, 5, ठीक है। देन यहाँ पे है 3, 2, 3, 3, 2 मतलब ये, ठीक है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देना, 1, 3, 0, 5, देन यहाँ पे 3, 3 फाइनली, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 0, 4, ठीक है। ये सिंपल डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे 1 into 4, 1 हो जाएगा, -0 into 5, 0, मतलब यहाँ पे 4, देखिए 0, 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 2, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे आ जाएगा 0, देन यहाँ पे 2 into 5, 10 हो जाएगा, -4 into 3, 12, मतलब 10 - 12, -2 हो जाएगा, देन 1 into 5, 5 - 0, मतलब 0, 5 हो जाएगा यहाँ पे 4, ठीक है। ये क्या करना है, अभी जो भी पोजीशन ऑफ हमने को फैक्टर निकाला है वो सब्सटीट्यूट करना है, जो को फैक्टर जो मैट्रिक्स है उसमें सब्सटीट्यूट करना है, को फैक्टर में, को फैक्टर ऑफ ए इसमें सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे a11 4 0 0, ठीक है। a21 यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो यहाँ पे -2, ठीक है। देन 1 अगेन 0, देन यहाँ पे a 31, ठीक है, a31 -2, देन यहाँ पे 5, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस दिया है, तो -5, देन यहाँ पे 4, ठीक है। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है, दिस इज द को फैक्टर, ठीक है। तो हमें एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर। तो क्या करेंगे, ये जो रो है रो को कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 0 0, -2 1 0, -2 -5 4, इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसके एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देन एडजॉइंट अगर फाइंड आउट किया तो इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स होता है 1/mod A एडजॉइंट ऑफ ए होता है, ठीक है, 1/mod A। तो 1/mod A मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 4 -2 -2 0 1 -5 0 0 4, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 1/4 है मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4, 1 हो जाएगा, -2/4 -2/4, ठीक है, 0 1/4 -5/4 0 0 4/4, मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये जो मिला हमें क्या मिला, ये ए इनवर्स मिला है, ठीक है। सो हमें ए इनवर्स नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे आ जाएगा 1/4 into 1, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा -0 into something, यहाँ पे -5/4 मतलब 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे -2/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन 0 into 1 मतलब 0, -0। देन यहाँ पे प्लस, अगेन यहाँ पे -2/4, ठीक है, अगेन ये क्या आ जाएगा, 0 and 0, क्योंकि 0 into 0 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएंगे, अगेन ये 0, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा हमें 1/4, ठीक है। 1/4 का मीनिंग होता है 0.25, तो हमें क्या मिला आंसर, 0.25। तो ये हमें क्या वापस फिलअप करना था, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किया इनवर्स मैट्रिक्स, जो कि एकेडमी में इसका कंपलसरी क्वेश्चन है, एकेडमी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेट में इसके ऊपर 18 में क्वेश्चन पूछा गया था फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। आई होप जो भी आज हमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया ऑन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक करना है, ठीक है, ये जो वीडियो इसको लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।